नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, जहां इस दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लागू 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि 21 दिनों के लॉकडाउन का अनुपालन करवाएं और किसी भी सामाजिक या धार्मिक जलसे का आयोजन न होने दें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू दुर्व्यवहार के बढ़ते मामले के मद्देनजर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर लॉकडाउन के दौरान घरेलू दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने का आदेश दिया है। शाह ने सुरक्षा बलों से कहा है कि वे बॉर्डर पर किसी भी तरह के आवाजाही को रोकने को सुनिश्चित करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए कोई बड़ी योजना बनाएगी। लॉकडाउन के बीच देश भर में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के काम में जुटे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए FCI के 80,000 मजदूरों सहित कुल 108,714 कर्मचारियों और अधिकारियों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत से 20,400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा गया है और विदेश में भारतीयों को लाने का फैसला कोरोना की समीक्षा के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के कारण दुनिया भर में फंसे भारतीयों पर सरकार नजर बनाए हुए है और वहां की सरकारों द्वारा उन्हें मदद मुहैया कराई जा रही है। BCCI ने अनुबंधित खिलाड़ियों को त्रैमासिक बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। इसको लेकर BCCI ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि कोरोना का असर क्रिकेट पर पड़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद प्रमुख उत्पादकों ने अब प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि EPEC और सहयोगी देशों के कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 1 करोड़ बैरल प्रति दिन कमी की जा सकती है, ताकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित कर सके। दुनिया भर में कोरोना को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक के मुख्य कार्यकारी ने कहा है कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक खेल 16 महीने के विलंब के बाद अगले साल भी हो सकेगा या नहीं। PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा की गई, जहां इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया कि राज्यों में प्रवासी और बेघर लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का पर्याप्त मात्रा में भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना के मरीजों के लिए ये दवा कारगर साबित हो रहा है और इसकी डिमांड विदेशों में भी हो रही है, जिसके बाद सरकार ने इसके निर्यात का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना को लेकर देश हर परिस्थिति के लिए तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम किसी ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि भारत जल्द ही कोरोना पर जीत दर्ज कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कोरोना का अब तक कोई कम्युनिटी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमें सजग रहना होगा। कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका अनुकरण करना होगा। CJI SA बोबडे कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन के मद्देनजर अन्य न्यायाधीशों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परामर्श करके हर 3 से 4 दिनों में शीर्ष अदालत के कामकाज की समीक्षा करेंगे, जहां इस बात की जानकारी SCBA के सचिव अधिवक्ता अशोक अरोरा ने दी। लॉकडाउन के चलते हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों में फंसे करीब 287 सैलानियों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में सबसे ज्यादा सैलानी कांगड़ा शहर में फंसे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफे को देखते हुए राज्य के 15 जिलों के कई हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन्हें सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर राज्य सरकार काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां इस समीक्षा बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उमराव, आजसू के प्रमुख सुदेश महतो, झामुमो के प्रमुख सुप्रिया भट्टाचार्य आदि नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में होने वाले आईफा इवेंट को अलॉट किए गए पैसे फिर से वापस सीएम फंड में ट्रांसफर कर लिए हैं, जहां अब इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना से निपटने में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे संवाददाता बीडी अनुरागी बता रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के लिए स्पेशल 13 की टीम बनाई है, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी और 9 पीसीएस अधिकारी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री सीधे नजर रखेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि लद्दाख में 2 और कोरोना के मरीज ठीक हो गए हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में अब तक 15 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से 11 ठीक हो गए हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि हरियाणा की विवहानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद ग्रामीणों को घर घर दवा पहुँचाने की पहल शुरू की है। यूपी के रामपुर से हमारे संवाददाता यासीन खान बता रहे हैं कि रामपुर में उद्योग व्यापार मंडल की टीम ने कोरोना से लड़ रहे देश के पुलिस जवानों को फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल उर्फ सोनी ने कोरोना से बचने के तरीके भी बताए। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि प्रदेश के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सीमा पर पुलिस जवान हैं और सीमा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ऐसी खबर आई थी कि नेपाल के रास्ते कोरोना के मरीज भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी संख्या 50 के करीब है। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता योगेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि महुआ के जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी जनपद वासियों को अवगत कराते हुए कहा है कि प्रशासन जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और यहां गरीब कल्याण पैकेज से कोरोना के प्रभावित कमजोर गरीब जरूरतमंद लोगों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ के जुहू मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहे हैं और आम दिनों के जैसे ही यहां जनता सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर, किराना दुकान पे भीड़ लगाए नजर आ रहे हैं। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महुआ जनपद के थाना क्षेत्र कुलपहार के 2 सगे भाई डॉक्टर भूपेंद्र द्विवेदी और एडवोकेट ब्रजेंद्र द्विवेदी ने मिलकर पीएम केयर फंड में 21,000 रुपए जमा किए। यूपी के सोनभद्र से हमारे संवाददाता संजय भारती बता रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन के बीच सोनभद्र के शक्ति नगर थाना अंतर्गत बस स्टैंड मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा का मिनी बैंक में चोरों ने छत का पटिया तोड़कर लाखों चोरी कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य के अलग अलग जिलों के 80 पंचायतों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।